में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे एक संत पर अराजक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में संत नरेश दास को कई फ्रैक्चर हुए हैं। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। दरअसल मामला सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास का है, जब संत नरेश दास मंदिर परिसर में थे और वहां पर हो रहे गलत कार्य का वीडियो बनाने लगे। आरोप है कि इसी बीच कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनका मोबाइल व रुपए आदि छीन लिए गए। संत नरेश दास ने बताया कि मंदिर परिसर में लंबे समय से भारी अनियमितताएं चल रही थीं। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मंदिर के कर्मचारी बने बैठे थे। यहां तक कि जिस व्यक्ति को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है, उसी को मंदिर में कैशियर तक बना दिया गया। इनके खिलाफ भी उन्होंने शिकायतें की थीं, जिससे यह लोग उनसे बौखलाए हुए थे। आज उन्होंने मौका पाकर संत नरेश दास पर हमला कर दिया। उस घटना की शिकायत उन्होंने ओरछा थाने में की है, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल भेजा गया, लेकिन ओरछा में व्यवस्थाओं के ना होने की वजह से उन्हें मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। संत नरेश दास ने बताया कि उन्हें करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लात घूसों से मारा है। जांच रिपोर्ट में उनके सीने में गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें से कुछ सीने की हड्डियां भी टूट चुकी हैं। आपको बता दें कि मंदिर में लगातार होने वाली चोरियों और सुरक्षा के लिए कैमरे ना होने, अराजक तत्वों का मंदिर में साम्राज्य होने सहित उन्होंने कई मामलों को उजागर किया है। कई मामलों में RTI के माध्यम से भी उन्होंने भ्रष्टाचारी को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से कुछ बदमाश उन्हें जान से मारने की फिराक में थे, जिसके बाद आज उन्होंने संत नरेश दास को मारने का प्रयास किया और हालत खराब होने के बाद उनका मोबाइल व पैसे छुड़ाकर भाग गए। पीड़ित संत का कहना है कि पुलिस यदि यहां लगे CCTV कैमरे में देखेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोपी गण सत्ताधारी नेता के करीबी हैं। उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का संरक्षण प्राप्त है, जिसे देखने वाली बात होगी क्या पुलिस आरोपियों पर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करेगी। वहीं मंदिर के कर्मचारियों ने भी ओरछा पुलिस से शिकायत की है। रेवाड़ी से देवस गुप्ता के साथ आशीष प्रजापति की रिपोर्ट। आज हम सुबह रोजाना की तरह मंदिर से निकले बाहर और अनधिकृत लाइटें लगाई गई हैं मंदिर के बाहर। हम उनके वीडियो बना रहे थे। हम हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ मंदिर में अब जो भी हो रहा है हम आवाज़ उठाते रहते हैं। उसमें अनधिकृत एक कर्मचारी है जो लाइट का काम करता है, राजपूत नाम है उसका। उसने आके सीधा पहले हमारे हाथ से मोबाइल छीना, छीन के अंदर ले गया और अंदर बुला रहा था, अंदर आओ मैं तुमको दिखाता हूँ, जान से मार दूंगा। हम अंदर नहीं गए, हमने एक दुकान वाले से मोबाइल लेकर हमने 100 नंबर डायल किया तो पुलिस भी नहीं आई। हमने 15-20 मिनट रास्ता देखा, फिर उधर एक विक्रम करके पुलिस वाला बैठा था जो मंदिर में ड्यूटी पे रहता है। हमने उसको बताया कि भैया ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, आप पुलिस बुलाइए। तो उन्होंने थाने में फ़ोन लगाया जितेंद्र सोनी को। हमने जितेंद्र सोनी से सारी घटना की जानकारी दी, वो बोले ठीक है मैं आता हूँ, इतना बोला है। और पीछे खड़े थे वो लोग ग्रुप बना के और उन्होंने सीधा मारना शुरू कर दिया है। हमें पछलियों में ज़्यादा मार है, पेट में मार है, लीवर में है, पैर में है और मुख के ऊपर भी मुख के बहुत मारे हैं। तो ये एकजुट होकर उन्होंने ऐसा इस तरह से मारपीट क्यों किए? हम उधर भ्रष्टाचार के बारे में आवाज़ें उठाते रहते हैं। उसमें देखिए ऐसा है कि सारे के सारे चोर हैं ये, हम बताते हैं आपको। और हम यहाँ की मंदिर की स्वच्छता कर रहे हैं, यहाँ की हम व्यवस्था बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि रामराजा का पैसा रामराजा के दान पात्र में जाए, जो चोरी हो रहा है वो चोरी ना हो। हमने आवाज़ उठाई थी कि जो इलेक्ट्रिक का काम करने वाला है उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, ITI का कोई डिप्लोमा नहीं है, कल के दिन किसी भी इंसान की जान जा सकती है, ऐसी उधर लाइटें लगा के रखी हैं। ये दो भाई हैं, एक भाई बैठता है रसीदें बनाता है कैश काउंटर पर, उसकी नियुक्ति है सफाई कर्मचारी के तौर पर, लेकिन उसको सफाई का काम नहीं करवाया जाता है, उसको सिर्फ जो है रसीदें बनाने के लिए रखा है वहाँ चोरी करने के लिए। ये वही चोर हैं कि इनके 3-4 भाई हैं, एक भाई को अभी 10 साल की सज़ा भी हुई है और उक्त ये खानदानी चोर हैं ये, और इन्होंने मिलके मारा है और अभी जान से मारने की बातें कर रहे हैं, बोले गोली मार देंगे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारे पछली टूटी हुई है, अभी हम एक्सरे निकालेंगे तो हमें पता चलेगा। हम गए फिर थाना प्रभारी को, हमने बताया, अभी तक FIR नहीं लिखी गई, ठीक है। और हम फिर हॉस्पिटल गए, पुलिसकर्मी हॉस्पिटल ले गया ओरछा स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ से अभी हमें झांसी रेफर किया है। हम झांसी आए हैं, हमारी हालत ऐसी है कि हम खड़े होने लायक भी नहीं है। हमारी प्रशासन से निवेदन है, हमने सुरक्षा की कई बार मांग की है, हमारी 1 साल के ऊपर हो गया CM हेल्पलाइन पड़ी है, सुरक्षा नहीं दे रहे हैं और ये जानबूझ करके
हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मामला ये है कि जे रिछारिया डेली आता था, आए दिन कुछ ना कुछ कमी दिखाता था और गाली गलौज करता था, दर्शनार्थियों को भी परेशान करता था। गाली गलौज किसके साथ करता था? हमारे साथ भी करता था, कर्मचारियों के और दर्शनार्थियों के साथ भी करता था। दर्शनार्थियों से मंदिर की छवि धूमिल होती है, इससे मना करता था तो जो अपने आप नेतागिरी बताता था, मुझे समझते नहीं हूँ मैं कौन हूँ, आज एक दूसरे की दम देता था जी। आज क्या हुआ, किस मारपीट की? आज कुछ नहीं, जो फोटो निकाल रहा था मंदिर में, इससे मना की भाई फोटो निकालना यहाँ मना है। हैं तो जे बोला क्यों मना है, तुम लोग यहाँ देखते नहीं हो, कर्मचारी सब लापरवाही करते हो और चोर बताने लगा। तो हमने इसका मोबाइल छुड़ा लिया। बोले मैं ठीक है, मैं जाता हूँ रिपोर्ट करता हूँ, इसने मोबाइल क्यों छुड़ाया। अब बस इतनी सी बात है कि और गाली गलौज करने लगा बाद में, आए दिन कर्मचारियों को गाली गलौज करता है।